स्टूडेंट, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा है रेशम फैब्रिक क्या होता है, आपका कपास फैब्रिक कौन से होते हैं, अभी तक आपने ये देखा है, ये जाना है उनके बारे में, तो वैसे ही हमारा एक टॉपिक है रियोन फैब्रिक कैसे होता है, क्या होता है, इसकी जो इतिहास था वो क्या था, इसको उगाने के लिए कैसे कैसे उगाया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है ये। तो आज का हमारा टॉपिक है रियोन फैब्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रियोन। मानव निर्मित तंतुओं का आविष्कार और विकास अपने युग का एक वैज्ञानिक आश्चर्य है। करीब आधी शताब्दी पूर्व प्रथम सफल प्रयास द्वारा जो मानव निर्मित तंतु बनाया गया था वह कीड़ों की क्रिया द्वारा उत्पादित रेशम के समान था। जो रेशम, जैसे कि हमारा प्राकृतिक तंतु है, वैसे ही हम एक रेशम का जो तंतु से छोड़ के जो मानव ने तंतु बनाया था, जो मानव ने किसी कपड़े का विकास किया था, वो था हमारा रियोन, जो कि रेशम के समान ही था। शहतूत की पत्ती को रासायनिक क्रिया द्वारा पचाया जाता है और परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले घोल को बारीक छिद्रों में से दबाव द्वारा निकाला जाता है, जिसे स्पिनरेट कहा जाता है। यह पदार्थ प्रोटीन में परिवर्तित नहीं होते, किंतु पूर्व के ही सामान सेलुलोज ही रहता है। इस कृत्रिम रेशम में उच्च चमक होती है और काफ़ी हद तक प्राकृतिक रेशम के समान दिखाई देता है, किंतु इसमें प्राकृतिक रेशम के समान लोचमयता, मजबूती और चिपकने का गुण नहीं होता। रियोन का तंतु शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। यह वह पदार्थ है जो कि पौधे या कपास की कोशीय दीवार से तैयार किया जाता है। रियोन के तंतु को जिस सेलुलोज से बनाया जाता है वह पुनः उत्पत्ति होता है, इसलिए इस तंतु को पुनः उत्पादित सेलुलोज तंतु के नाम से भी जाना या पहचाना जाता है। रियोन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रियोन, इसकी हिस्ट्री क्या थी। सर्वप्रथम मानव निर्मित तंतु, सबसे पहले मानव निर्मित का जो तंतु था, जो इंसान ने जो कपड़ा बनाया था, वो रियोन ही था। रियोन के बारे में सर्वप्रथम खोज अंग्रेजी विशेषज्ञ रॉबर्ट हुक द्वारा सन 1664 में की थी। वह यह विश्वास करता था कि यह संभव है कि कृत्रिम ग्लूटीन्स संगठन द्वारा काफ़ी मिलता जुलता पूरी तरह से उतना उत्तम नहीं किंतु फिर भी अच्छा एक तंतु बनाया जा सकता है। अंग्रेजी शासन के जो अंग्रेजी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी, उनको मन में ये विचार आया कि जैसे कि हमारा कपास फैब्रिक प्राकृतिक तंतु है, हमारा रियोन है, ये प्राप्त हुए हैं, तो क्यों नहीं ये मानव निर्मित भी हम कर सकते हैं, हम इंसान भी इस कपड़े को बना सकते हैं। तो उन्होंने इस कपड़े की खोज की और उसको बनाना शुरू किया। वो इतना अच्छा नहीं था जितना रेशम आपका होता है या कपास होता है, बट फिर भी ये फैब्रिक अच्छा था, तो उन्होंने इसकी खोज की और उस पर काम किया। जिसकी विधि रेशम के कीड़ों के मुंह से निकले तंतु के समान होगी। सन 1710 में फ्रेंच वैज्ञानिक रेयुमोर ने सुझाव दिया कि गोंद और रेजिन की सहायता से रेशम के फिलामेंट बनाने की संभव है। उदाहरण वार्निश का धागा। 130 वर्षों के बाद सन 1840 में एक उदाहरण का आविष्कार हुआ, जिसके छोटे छिद्रों द्वारा संश्लेषण तंतु निकले जा सकते थे। सन 1855 में जार्ज आडमार्श, जो कि स्विंस केमिस्ट था, ने यह खोज की कि सेलुलोज नाइट्रेट कैसे बनाया जा सकता है। यह नाइट्रो सेलुलोज प्रक्रिया से रियान निर्माण की दिशा में प्रथम चरण था। करीब 30 वर्ष बाद सन 1864 में काउंट हीलेटर डी चारडोट ने नाइट्रो सेलुलोज द्वारा प्रथम मानव निर्मित वस्त्र तंतु का निर्माण किया। यह है, इन्हें रियान का पिता कहा जाता है। चारडोनेट ने मौलिक फ्रेंच
पेटेंट बनाया और पुरस्कार प्राप्त कर विश्व की प्रथम रियोन फैक्ट्री का निर्माण किया। इसी के बाद रियान के अन्य प्रकार निर्मित हुए। आज आपने देखा होगा कि रियोन फैब्रिक जो है वो इतना ज़्यादा प्रचलन में है, इतना ज़्यादा यूजफुल है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी पार्टी वेयर में भी यूज़ होता है। रियोन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फैब्रिक हो गया है, जो मानव निर्मित पहला तंतु था ऐसा, जिसकी खोज रियान ने की थी। रियान जिसकी खोज काउंट हेलेनर की चार्टोट ने की थी। सन 1890 में फ्रांस के LH डेस्पोसिस ने रियान निर्माण की प्रक्रिया का विकास किया, जिसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसमें यह नाइट्रो सेलुलोज रियोन से अधिक श्रेष्ठ तंतु बना। यद्यपि यह है प्रारंभिक रूप से निर्माण प्रक्रिया में आर्थिक रूप से प्रतियोगिता नहीं कर सकता, किंतु सन 1919 में जर्मनी में कताई की तकनीक में सुधार के कारण सफलतापूर्वक व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। मानव निर्मित तंतुओं को सर्वप्रथम 1925 में अधिकृत तौर पर मान्यता प्राप्त हुई। इसी समय हेडर डेट कमीशन ने रियान नाम को सेलुलोज या उसके समान अन्य तंतुओं से भी बनाए जाने वाले धागों के लिए उपयोग में लाने की अनुमति दी। जैसे जैसे मानव निर्मित तंतुओं के उत्पादन और प्रकार में वृद्धि हुई और विभिन्न ट्रेडमार्क उपयोग में लाए जाने लगे, SCTC में पुनः सन 1937 में किसी भी तंतु या धागों को जो कि रासायनिक रूप से सेलुलोज द्वारा बनाया जाता है, रियोन के नाम से पहचाना गया। प्रारंभ में तैयार किए गए रियोन वस्त्रों में काफ़ी अवगुण विद्यमान थे। पहले जब निर्माण किया गया रियोन का, तो काफ़ी उसमें गलतियाँ थी, काफ़ी उसमें अवगुण थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें काम करते गए और धीरे धीरे उसको फाइन करते गए। वस्त्र धुंधले पड़ जाते थे, वस्त्र में चमक नहीं थी, वो बनते ही खराब हो जाते थे, फेडेड हो जाते थे। इस्त्री करने पर जल जाते थे, अगर प्रेस करते थे तो उनको जल जाते थे, वो नाजुक थे, बहुत सॉफ्ट थे। यह गतिग्रस्त हो जाते थे। इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अनेक व अट प्रयास किया जा रहे थे। धीरे धीरे रियोन की गुणवत्ता में सुधार आ गया और आज इतना वर्तमान रूप से हमारे सामने है। आज रियोन वस्त्र हमारे दैनिक जीवन की एक अधिकांश आवश्यकता बन गए हैं। रियोन वस्त्रों की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि रियोन वस्त्र सच्चे रेशम की भांति ही चमकदार व मुलायम होते हैं, उनमें लोचमयता व शक्ति भी प्राय उतनी ही रहती है। इनका मूल रूप से रेशम के वस्त्रों की अपेक्षा कम रहता है। धीरे धीरे इन वस्त्रों ने रेशम का विलप का स्थल ले लिया। जिन लोगों को रेशम के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं थी, मैं तो ब्रह्मवास रियोन को ही रेशम समझते थे। इतना सुंदर हो गया था ये फैब्रिक कि लोग बाग रेशम को छोड़ के रियोन को लेने लगे थे। जिनको रेशम के बारे में जानकारी नहीं होती थी, वो सोचता था कि रियोन ही रेशम है। इसी कारण रियान को कृत्रिम रेशम कहा गया है। अपनी अलौकिक चमक व अनुपम छटा के कारण ही इसका नाम रियोन पड़ा। रियोन का शब्द शाब्दिक अर्थ है सूर्य की धीमी किरणों को परिवर्तित करने वाला। रियोन धागे के उत्पादन की आधार विधि, इसकी विधि कैसे कैसे बनी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे की जाती है, कैसे बनाया जाता है। रियोन बनाने की विधि बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार कीड़ों के द्वारा प्राकृतिक विधि से सैतूत के वृक्ष पर द्वारा प्राप्त सेलुलोज से दो महीन धागों के रूप में रेशम का तंतु तैयार किया जाता है, वैसे ही इसकी विधि है। जैसे कि रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है सैतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीड़ों से, वैसे ही इसका भी एक धागा बनाया जाता है सेलुलोज से। सेलुलोज के द्रव पदार्थ को अंगूठे के आकार की घनित टोपी के छिद्रों में से दबाव द्वारा निकाला जाता है। इन छिद्रों को
स्पिन रेट कहा जाता है क्योंकि यह उसी प्रकार का कार्य करता है जिस प्रकार रेशम के कीड़ों के स्पिन रेट द्वारा किया जाता है। यह टोपी सामान्य लिनन के मिश्र से बनी होती है क्योंकि यह एक धातु अम्ल की सारों में प्रभावित नहीं होते हैं। यह छोटे छिद्रों द्वारा छिद्रयुक्त होते हैं जो कि सामान्य आंखों से अधिकतर दिखाई नहीं देते। आपको उसको देखने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, सामान्य आंखों से नहीं दिख पाते हो। प्रत्येक बारीक छिद्र से फिलामेंट बाहर निकलता है, उसे द्रव के छिड़काव द्वारा ठोस बनाया जाता है क्योंकि यह स्पिन रेट से बाहर द्रव के रूप में निकलता है। यह क्रिया बिल्कुल उसी प्रकार होती है जिस प्रकार रेशम के कीड़ों के द्वारा कच्चे रेशम के पदार्थ बाहर निकलते हैं, हवा के द्वारा सूख जाते हैं। स्पिन रेट के छिद्र की संख्या 1 से 2 लाख तक होती है जिसमें से सामान आकार का फिलामेंट बाहर निकलता है। इसके साथ ही साथ सामान्तर क्रिया में इस फिलामेंट को घुमाव द्वारा आपस में मिला दिया जाता है ताकि आवश्यकता डायमीटर का रियोन धागा तैयार किया जा सके।